डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जितनी भी है हमारी, ये ट्रांसफर करती है डेटा फ्रॉम सोर्स ऑपरेंड टू डेस्टिनेशन ऑपरेंड। इसमें हमारे पास जो है मूव इंस्ट्रक्शन आती है और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। कमिंग लेक्चर में हम जो है इसका सिंटेक्स देखेंगे, मूव इंस्ट्रक्शन का और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का, और बेशुमार इंस्ट्रक्शन है जो कि आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आती है। आपके पास लोड इफेक्टिव एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शन जो है यूज़ होती है ट्रांसफर एड्रेस करने के लिए। आगे आपके पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये आपके पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इनमें आपके पास लिस्ट है कुछ इंस्ट्रक्शंस की जो कि फर्दर डिवाइडेड है ग्रुप्स में। पहला है आपके पास इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एडिशन, इसमें आपके पास ऐड आते हैं ADD, ये आपके पास एडिशन करने के लिए यूज़ होता है, बाइट की बाइट में और वर्ड की वर्ड में एडिशन। ADC ये आपके पास ये ऐड विद कैरी के लिए यूज़ होता है। INC ये आपके पास इंक्रीमेंट के लिए होता है, बाइट या वर्ड को इंक्रीमेंट ये करता है बाय वन, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। जिस तरह आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं I++, तो यहाँ पे उसके लिए INC यूज़ होता है। फिर आपके पास आगे है AAA की इंस्ट्रक्शन, ये ASCII एडजस्ट करता है आफ्टर एडिशन। इस तरह और भी कई आपके पास इंस्ट्रक्शन है जो कि यूज़ होती हैं आपके पास एडिशन परफॉर्म करने के लिए, इनको हम आगे कमिंग वीडियोस में देखेंगे। आपके पास एक और ग्रुप है जो कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें आपके सब है, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, ये सब्ट्रैक्ट करता है बाइट को बाइट में से, वर्ड को वर्ड में से। फिर आपके पास है SBB, ये आपके पास सब्ट्रैक्ट विद बारो करता है। फिर आपके पास है DEC की इंस्ट्रक्शन, ये डिक्रीमेंट के लिए यूज़ होती है, ये आपका डिक्रीमेंट करता है बाइट या वर्ड को बाय वन, ये ऑटो डिक्रीमेंट यानी कि वन का डिक्रीमेंट अगर आपने करना हो तो उसके लिए आप DEC यूज़ करते हैं। फिर आपके पास है NEG, ये आपके पास निगेट होता है, ये आपके पास हर बिट को जो है इन्वर्ट करता है, और ये टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। फिर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है कंपेयर CMP, ये आपके पास कंपेयर करता है प्रोवाइडेड बाइट या वर्ड को। अब इसके कंपेयर के पीछे आपके पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होती है। आपके पास AAS है, ये आपके पास ASCII एडजस्ट करता है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। इस तरह और भी कई इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पास सब्ट्रैक्शन यानी कि परफॉर्म करती हैं। फिर आपके पास आगे इसमें एक इंस्ट्रक्शन ग्रुप है जो कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। मल की इंस्ट्रक्शन आपके पास अनसाइंड जो है बाइट को बाइट से मल्टीप्लाई करने के लिए या वर्ड को वर्ड से मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होती है। फिर आपके पास है IMUL, ये आपके पास साइंड मल्टीप्लिकेशन बाइट की बाइट से या वर्ड की वर्ड से करने के लिए यूज़ होती है। फिर आपके पास है AAM, ये ASCII एडजस्ट करता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी यूज़ होती हैं इंस्ट्रक्शंस जो कि मल्टीप्लाई में, और भी कई इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म डिवीजन है आपके पास, डिव जो है ये आपके पास अनसाइंड वर्ड को बाइट से डिवाइड करने के लिए या आपके पास वर्ड को वर्ड में से डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। IDIV है, ये आपके पास डिवाइड करता है साइंड वर्ड को बाय बाइट और साइंड वर्ड को वर्ड से। और भी कई इंस्ट्रक्शन है डिवीजन की। अब इन सब का जो है इंस्ट्रक्शंस का हम सिंटेक्स जो है आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, और इनकी हम जो है प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स जो है करेंगे। आगे आपके पास है इंस्ट्रक्शंस जो आपके पास डिवीजन में आपके पास और आ जाती हैं, जिस तरह ASCII आपके पास कोड की एडजस्टमेंट आफ्टर डिवीजन करनी हो, AADM यूज़ करते हैं, कन्वर्ट बाय जो है ना बाइट टू वर्ड करना हो हमने उसमें हमारे पास डिवीजन यूज़ होती है, कन्वर्ट हमने टू डबल करना हो उसमें हमारे पास डिवीजन यूज़ होती है। इस तरह और बेशुमार इंस्ट्रक्शन है। फिर हमारे पास तीसरा है बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, मैं बात बताया आपको कि ए टाइप वो इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है। थर्ड है बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके पास आती हैं लॉजिकल आपके पास ऑपरेशंस आते हैं, शिफ्ट ऑपरेशंस आते हैं। तो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसमें आपके पास फर्दर जो इंस्ट्रक्शन है वो है नॉट, एंड और एक्सॉर। नॉट आपको पता है ये इन्वर्ट करता है ईच बिट को, और ये बाइट या वर्ड की बिट को इन्वर्ट करेगा, और ये वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होता है। एंड जो आपके पास हर जो बिट का बिट वाइज एंड करेगा, ये लॉजिकल एंड करेगा, सॉरी ये लॉजिकल एंड करेगा हर बिट का और बाइट का। आपने अगर जो है ना एंड परफॉर्म करना हो, लॉजिकल और परफॉर्म करना हो बाइट या वर्ड का, उसके लिए और की इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी।
आपने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना हो बाइट या वर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग बिट के साथ, तो उसके लिए आप XOR यूज करेंगे। फिर टेस्ट की इंस्ट्रक्शन है, ये आपके पास जो है अपडेट करती है फ्लैग्स को विदाउट अफेक्टिंग ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हमारे पास जो है ऑपरेशन जो है ऑपरेशनल कोड होता है, यानी कि मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, मैंने ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, मैंने मल्टीप्लाई की करनी है, मैंने डिवाइड की करनी है, ये आपके ऑपरेशनल कोड्स होते हैं। आपके पास है परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशंस करने के लिए इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट आपके पास लॉजिकल लेफ्ट है, ये आपके पास शिफ्टिंग अनसाइंड नंबर्स की लिए यूज़ होता है। जब भी आप शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट करते हैं, ये आपके पास क्या करता है, शिफ्ट करता है बिट्स को टूवर्ड्स लेफ्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद 2^n, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स। यानी कि जितने बिट्स आपने शिफ्ट करेंगे आप लेफ्ट की तरफ, ये उसको 2^n के साथ जो है मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करेगा। फिर आपके पास है SAL, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, ये आपके पास था शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपके पास शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट जो है ये आपके पास अनसाइंड नंबर्स की शिफ्टिंग के लिए यूज होता है, और शिफ्ट आपके पास अरिथमेटिक लेफ्ट साइंड नंबर्स की शिफ्टिंग के लिए यूज होता है। इसमें भी इसी तरह आपके पास ये बिट्स को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद 2^n, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स। इसमें आपके पास आ जाता है शिफ्ट लॉजिकल राइट, अगर आपने शिफ्टिंग करनी हो अनसाइंड नंबर की बिट्स की टूवर्ड्स राइट, जब आप शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ तो ये क्या करता है, डिवाइड करता है विद 2^n, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स। आने वाले लेक्चर में हम जब शिफ्टिंग एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे तो इन डिटेल जो है इस पर मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इसका सिंटेक्स बताऊंगा और इसकी वर्किंग जो है इन डिटेल हम जो है ना मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये वर्क करते हैं। शिफ्ट जो है अरिथमेटिक राइट जो है ये आपके पास साइंड जो है नंबर्स की शिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है राइट की तरफ, जब आप राइट शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड करेगा विद 2^n, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स। इस तरह आपके पास इंस्ट्रक्शन है जो कि रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ROL है, ये रोटेट करता है लेफ्ट, यानी कि आपने सर्कुलर रोटेशन लेफ्ट करनी हो, सर्कुलर रोटेशन राइट करनी हो, उसके लिए ROR यूज़ होता है। फिर RCR है, रोटेट विद कैरी करना हो या रोटेट लेफ्ट विद कैरी, इनकी आने वाली वीडियो में इस पर भी हम देखेंगे इनका क्या एप्लीकेशन है और ये कहाँ यूज़ होंगे और इनका क्या सिंटेक्स है। हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन जो हैं इंस्ट्रक्शन भी हैं, जिनमें हमारे पास कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन आपको देख रही हैं, ये आपके पास ग्रुप ऑफ बाइट या वर्ड को और जो है ना एलोकेट की होती हैं। आपके पास स्ट्रिंग जो है हमारे पास ये ग्रुप ऑफ बाइट या वर्ड्स एंड देयर मेमोरी इज एलोकेटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर होती है। तो इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है मूव एस, मूव एस बी या मूव एस डब्ल्यू, ये आपके पास मूव करता है बाइट या वर्ड को फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर। मूव एस यानी कि मूव स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये आपकी मूव जो है बाइट कर रहा है, ये मूव आपका वर्ड कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में बाइट या वर्ड आप मूव करने के लिए यूज होता है। आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो, कंपेयर है स्ट्रिंग के लिए, कंपेयर आपके पास जो है बाइट के लिए और वर्ड के लिए। इस तरह और भी कई इंस्ट्रक्शन है इसमें जो कि हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे उनका प्रॉपर सिंटेक्स वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग। फिर आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, ये आपके पास ट्रांसफ़र या ब्रांच करती हैं इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसमें आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसी भी इंस्ट्रक्शन जो कि ट्रांसफ़र करती हैं कंट्रोल विदाउट एनी कंडीशन, जिसमें आपके कॉल आ जाता है, ये आपका जो कॉल का जो कीवर्ड है ये क्या करता है, ये आपका प्रोसीजर को कॉल करता है, उस पर जो है जंप करता है और उसका जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टैक पे पुश कर देता है। RET की इंस्ट्रक्शन है, ये रेड की इंस्ट्रक्शन रिटर्न करती है फ्रॉम प्रोसीजर टू द मेन प्रोग्राम, या जहाँ से आपका प्रोग्राम कॉल हुआ या जिस प्रोसीजर से आए होते हैं वहाँ पे ये कंट्रोल वापस रिटर्न कर देती है। फिर जंप की इंस्ट्रक्शन है, ये जंप करती है उस प्रोवाइडेड एड्रेस पे, जो कि आपका यहाँ पे हम जंप के आगे लिखते हैं उस जो भी एड्रेस होता है उस एड्रेस पे ये जंप करती है। फिर आपकी कंडीशनल ब्रांच इसमें आ जाती है, जिसमें आपके जंप्स आ जाते हैं साइंड जंप्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के बेस पे हमने जंप करना हो, जिसमें जंप इक्वल है, जंप इफ इक्वल है, जंप इफ नॉट इक्वल है, जंप ग्रेटर जे जी, ये जंप इफ ग्रेटर, ये आपके बेसिकली कंडीशनल जंप्स हैं। हमारे पास यहाँ पे इफ एल्स इफ एल्स स्विच वगैरह नहीं होते, तो ये जंप्स के बेस पे हम डिसीजन जो है करते हैं।
जंप ग्रेटर इक्वल है आपके पास, जंप ग्रेटर और इक्वल, जंप इफ लेस है, जंप इफ लेस और इक्वल है। अब ये कैसे पता लगता है आपके प्रोसेसर को कि ये आपके पास जंप जो है इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है फ्लैग्स की बेस पे। इस तरह आप देखें जंप इफ इक्वल है इसके लिए जीरो फ्लैग जो है वो वन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर है, अब ये इसका मशीन कोड आपके पास जो है ना, ये बाइनरी में जो है ये दो नंबर जो है इनकी मैंने लिखी हुई है, और जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या है इसकी बाइनरी आएगी। अब ये क्या है इसकी वजह से आपके पास क्या है जीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा, इट मीन्स कि ये दोनों सेम नंबर है, इक्वल नंबर है। जब आप इक्वल नंबर जो है, अब ये जो भी आपके पास जंप्स होंगे इन जंप्स के साथ आपके पास कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज होती है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या करता है, डेस्टिनेशन को आपका जो है वो माइनस सोर्स करता है, लेकिन ना डेस्टिनेशन के आपके पास वैल्यू चेंज होती है ना सोर्स की वैल्यू चेंज होती है। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन में ये आपके पास वैल्यू पड़ी है और सोर्स में भी यही वैल्यू पड़ी है, तो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन इन दोनों को माइनस करेगी और कुछ ना कुछ फ्लैग ऑन होगा। जिस तरह आप देखें जंप इक्वल के केस में आपके पास जीरो फ्लैग अगर वन होगा तो आपके प्रोसेसर को पता लगेगा कि ये क्या है, दोनों नंबर्स इक्वल है। इसी तरह हमारे पास अनसाइंड नंबर्स के लिए जंप है, जंप इफ अबव है, जंप इफ अबव और इक्वल है, जंप इफ बिलो है, जंप इफ बिलो और इक्वल है। ये फ्लैग्स अगर ऑन होंगे, जिस तरह जंप अबव है कैरी फ्लैग अगर जीरो हो और अगर एंड जीरो फ्लैग भी जीरो हो तो आपका क्या है, आपको जो है प्रोसेसर को ये सिग्नल जाएगा कि जो आपका नंबर है डेस्टिनेशन जो है सोर्स से ग्रेटर है। इसका आने वाले लेक्चर में हम इसका सिंटैक्स जो है देखेंगे और उनको डिटेल में जो है हम ये जंप्स को करेंगे। इस तरह आपके पास जंप्स हैं वह ओवरफ्लो कैरी साइंड और जीरो की बेस पे। अगर आपका कोई ओवरफ्लो अकर होगा तो आपका जो है ना ये इसके लिए जंप यूज होगा और इसके बिहाइंड जो है ये फ्लैग जो है ऑन हो जाएगा। अगर कोई ओवरफ्लो नहीं है तो आपके जो है ना इसके लिए जंप यूज होगा, जंप नो ओवरफ्लो, इसके लिए आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो जीरो होगा। अगर कोई कैरी आता है तो जंप इफ कैरी तो कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा, जंप इफ नो कैरी तो कैरी फ्लैग जीरो होगा। इस तरह आपके पास साइंड जो है नॉट साइंड, जंप इफ जीरो और नॉट जीरो के जो है आपके पास यहाँ पे जो है डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैग्स। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था फ्लैग्स जो है हमने कैसे कैलकुलेट करने, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली वो वीडियो देख लें। ये आपके पास आगे आता है प्रोसेसर जो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपकी जो है ना प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा होता है जो है बाय सेटिंग एंड रीसेटिंग। आपके पास सेटिंग मींस के वन और रीसेटिंग मींस जीरो, फ्लैग्स को सेट और रीसेट करके। जिस तरह एसटीसी की इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास कैरी फ्लैग को वन सेट करती है, सीएलसी की इंस्ट्रक्शन क्लियर या रीसेट करती है कैरी फ्लैग को टू जीरो, एसटीडी की इंस्ट्रक्शन ये डायरेक्शन फ्लैग को वन करती है, सीएलडी की इंस्ट्रक्शन क्लियर करती है आपके पास डायरेक्शन फ्लैग को जीरो करती है। फिर आइट्रेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आपकी लूप आ जाती है, जिसमें आपका जो है हमें आइट्रेशन एग्जीक्यूट करनी हो, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना हो, जब तक कि आपके पास असेंबली में काउंटर रजिस्टर यूज होता है आइट्रेशन के लिए, जब तक काउंटर रजिस्टर जीरो नहीं होता आपकी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट होती रहती हैं। इसका भी हम आने वाले वीडियो में सेंटेक्स देखेंगे कि लूप जो है हमने किस तरह असेंबली में यूज़ करना है। फिर आपके पास इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, ये आपके पास जो है इंटरप्ट कोई भी प्रोग्राम में आपका आकर हो उसके लिए आपकी आईएनटी की जो है ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है। देखिए आपके पास इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट ऑफ 8086, आपके पास जो टेम्पलेट 8086 का वो कंटेन कर रहा होता है आपके पास ऑपकोड ऑपरेंड। आपके जो डिफरेंट आर्किटेक्चर में ये डिफरेंट जो है ना आपके पास जो है ये लाजमी होता है कि आपका कोई एक ऑपकोड हो और ऑपरेंड्स हो, ठीक है। 8086 में भी आपके पास एक ऑपकोड है और ऑपरेंट है, और जो है आपका ऑपकोड होता है ये आपका ऑपरेशनल कोड होता है, यानी कि क्या आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने चाह रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन किन नंबर्स पे, यानी कि वो नंबर्स आपके पास कहीं स्टोर हुए होंगे वेरिएबल्स में या रजिस्टर में जिनमें वैल्यू पड़ी होगी, वो आपके बेसिकली ऑपरेंड होंगे। आपके 8086 में थ्री जो है इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट्स हैं, पहला है जीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, फिर आपके पास वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, द लास्ट वन इज टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन। तो इनको वन बाय वन देखते हैं हम। जीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन जो है ये आपके पास, इसमें आपके पास
कोई ऑपरेंड नहीं होगा, बस एक आपका ऑपकोड होगा, इसलिए इसे कहते हैं जीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन या जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एग्जांपल्स हैं आपके पास, ट्रिपल एक इंस्ट्रक्शन के आगे आपके पास कोई जो है ऑपरेंड नहीं आता, ये आपके पास आरईटी की इंस्ट्रक्शन के आगे, एसटीसी ये आपका जो है ना सेट जो है ना कैरी फ्लैग हमने अभी देखा, सेट डायरेक्शन फ्लैग, इस तरह कई आपके पास 886 में इंस्ट्रक्शन हैं जिनका हम सिंटेक्स देखेंगे। ये जो है आपके पास जो है जीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी कि इसमें सिर्फ ऑपकोड होता है जो इस इंस्ट्रक्शन का है, यानी कि ऑपरेशनल कोड, जो कि आपका अगर इंटेल का आपका जो है आर्किटेक्चर है तो इंटेल का जो है यहाँ पे ऑपकोड होगा। वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में आपके पास वन ऑपरेंड होगा और एक ऑपकोड होगा, इसलिए इसे वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, ये आपके पास मल है, इसके आगे एक रजिस्टर या मेमोरी वेरिएबल का नाम आता है, तो ये जो मल होगा इसका कोई ऑपरेशनल कोड होगा। अगर रजिस्टर यूज़ किया हुआ है तो रजिस्टर जो है आपका ऑपरेंड होगा, अगर हमने यहाँ पे कोई मेमोरी वेरिएबल यूज़ किया तो मेमोरी वेरिएबल आपका ऑपरेंड होगा। आईएनसी की इंस्ट्रक्शन है जिस तरह, वो आपके पास आईएनसी जो है यहाँ पे उसका ऑपकोड होगा, और यहाँ पे रजिस्टर या हमने अगर वेरिएबल यूज़ किया तो वो ऑपरेंड आपका कहलाएगा। इसी तरह डेव आई डेव जो है ये आपकी वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल है। टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन जिसमें आपके टू ऑपरेंड्स हों और एक ऑपकोड हो, जिस तरह ऐड है, ऐड की इंस्ट्रक्शन ये इसका ऑपकोड होगा कोई, और ये आपके पास यहाँ पे देखें ऐड के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन आता है कॉमा सोर्स, तो ये जो डेस्टिनेशन है ये आपका ऑपरेंड वन होगा, सोर्स जो है आपका ऑपरेंड टू होगा। इसी तरह सब मूव कंपेयर की इंस्ट्रक्शन में भी आपके पास डेस्टिनेशन सोर्स होता है, मूव की इंस्ट्रक्शन में भी आपका डेस्टिनेशन सोर्स होता है, तो ये डेस्टिनेशन आपका ऑपरेंड वन है, सोर्स आपका ऑपरेंड टू, और ये जो मूव है ये आपका इसका ऑपकोड होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।